आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और 2024 के चुनाव को देखते हुए लगातार दलों की सक्रियता नजर आने लगी है। सक्रियता फिलहाल धरातल पर तो नजर नहीं आ रही है, पर सक्रियता बयानों से जरूर नजर आने लगी है। और हम देख रहे हैं कि इस बयानबाजी के दौर में कभी बयानबाजी सपा से होती है, कभी भाजपा से होती है, कभी कांग्रेस से होती है, तो कभी आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी लक्ष्मी जी गणेश जी की महिमा का मंडन करते, उनकी फोटो लगाने की बात करके अर्थव्यवस्था को सुधारने की बात भी करते हैं, चर्चा अहम हो जाती है। पर अभी जो आज का विषय है, मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सभी दलों की लगातार सक्रियता बनी रहती है। कहीं ना कहीं जो बहुजन समाज पार्टी है वो समय समय पर अपनी सक्रियता को दिखाती है और समय समय पर ऐसे बयान या ऐसे ट्वीट किए जाते हैं जिससे कि राजनीतिक घटनाक्रम एकदम से बदल सा जाता है और समझ ही नहीं आता कि ये घटनाक्रम है कैसा। तैयारी है कि ये वास्तव में प्रेम है, कि वास्तव में एक पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते समाज के प्रति जो एक दिशा जा रही है उसके प्रति चिंता महत्वपूर्ण विषय है। बसपा सुप्रीमो ने ट्वीट किया और ट्वीट के माध्यम से उन्होंने जो मदरसों के सर्वे हैं उस पर सवाल उठाए। 16,513 मदरसों का सर्वे हुआ जिसमें लगभग 7,500 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त रिपोर्ट में आए। उसके बाद ये रिपोर्ट 31 अक्टूबर तक शासन को सौंपी जानी है। महत्वपूर्ण विषय यहां पर यह भी है कि उस ट्वीट के बाद एक अगला ट्वीट जो होता है वो ये होता है कि देश में आज तक कोई पीएम दलित नहीं बन पाया। भाजपा कांग्रेस ने आज तक कोई दलित पीएम नहीं बनाया। हालांकि दलित प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जरूर बन चुके हैं, रामनाथ कोविंद। तो यहां पर जो बयानबाजी है, चाहे ट्वीट के माध्यम से हो चाहे बाइट के माध्यम से हो, पर बयानबाजी के जो मायने हैं वो अहम हो जाते हैं। क्या सक्रियता 24 चुनाव को लेकर है, क्या सक्रियता आगामी उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव को लेकर है, क्या सक्रियता अपनी खोई जमीन पाने को लेकर है, क्या सक्रियता वास्तव में उस कुर्सी को लेकर है जिसके लेकर बयान दिए जा रहे हैं। क्योंकि यहां पर अगर हम चर्चा की बात करते हैं तो तमाम तरह की चर्चाएं आम हो जाती हैं, चाहे धार्मिक मुद्दों की बात करें, चाहे सामाजिक मुद्दों की बात करें। और जब भी कोई मुद्दा उठाया जाता है उस पर चर्चाओं का दौर शुरू हो जाता है। और आजकल हम देख रहे हैं कि भारतीय राजनीति में एक चीज बहुत आम हो गई है, वो हो गई ट्वीट राजनीति, सोशल मीडिया की राजनीति। एक समय था जब राजनीति में संघर्ष धरातल पर नजर आता था, पर अब वो संघर्ष ट्वीट पर नजर आने लगा है, सोशल मीडिया पर नजर आने लगा है। रूपरेखा वही है, विषय वही है, संवेदनशीलता वही है और उद्देश्य वही है, बस जमीन बदली है। जमीन अब यहां पर जो आई है वो जमीन हो गई है, धरातल की जगह आपका आईटी, सोशल मीडिया, ट्विटर, इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया के माध्यम। खैर, महत्वपूर्ण विषय यहां पर इसलिए हमने बताया है क्योंकि जैसे जैसे चुनाव पास आते हैं वैसे वैसे जो राष्ट्रीय दल हैं वो अपनी सक्रियता को दिखाने लगते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए कहा जाता है कि हमेशा चुनावी मोड में रहती है। समाजवादी पार्टी भी अभी जो विधानसभा में मानसून सत्र हुआ था उसके बाद भी देख रहे थे कि अपनी रणनीति के माध्यम से अखिलेश यादव भी यहाँ पर सत्ता पक्ष को घेरने का प्रयास कर रहे थे। तो आम आदमी पार्टी के लोग भी अब सक्रियता के माध्यम से आगे बढ़ने लगे हैं, समय समय पर बयान भी आते हैं और लगातार चर्चा बने हुए हैं। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी भारत जोड़ो यात्रा जो 7 सितंबर शुरू हुई थी उसके बाद लगातार चर्चाओं में है और बड़ी यात्रा यहाँ बताई जा रही है। और कहा जा रहा है कि इस यात्रा से भारतीय जनता पार्टी को बड़ा तकलीफ होनी शुरू हो गई है। तो अन्य दल भी इस समय तमाम तरह की यात्रा निकाल रहे हैं, चाहे हम सावधान यात्रा की बात करें जो सुभाषपा के प्रमुख निकाल रहे हैं। आज इसका समापन हुआ, राजधानी लखनऊ में शुरुआत हुई थी और 75 जिलों से होते हुए आज बिहार की राजधानी पटना में उसका समापन हुआ। महत्वपूर्ण चर्चा का विषय है और मेहमानों से रूबरू कराने से पहले मैं आपको एक बार स्पष्ट कर दूं कि सर्वे है और सर्वे के बीच में हमने यहाँ देखा
कि सर्वे पे तमाम तरह के बयान आए कि सर्वे क्यों हो रहा है। सरकार का कहना था कि सर्वे हम इसलिए करा रहे हैं कि सर्वे के माध्यम से जो मदरसे हैं उनको और विकसित किया जाए, उनको और बेहतर किया जाए, ये सरकार की नीति है। लगभग 550 मदरसे हैं जो कि सरकार से अनुदान पाते हैं, और मदरसे हैं जिनको अनुदानित करने के लिए उनकी श्रेणी तलाशना, उनके स्रोत समान तलाशना, उनको किस तरह बेहतर कर सकते हैं, इसके लिए सर्वे कराया जा रहा है। और सर्वे हो गए हैं और अब इसकी रिपोर्ट सौंपी जानी है। और बीएसपी सुप्रीमो ने सीधा सीधा बयान दिया कि चंदे से चल रहे इस मदरसों से सरकार को क्या दिक्कत है। जब बीएसपी सरकार थी तो हमने 100 मदरसों को यूपी बोर्ड में शामिल किया था, तो जब चंदे से चल रहे हैं तो सरकार को दिक्कत क्या है। फिलहाल महत्वपूर्ण विषय है और इस विषय पर चर्चा करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे थे कि चुनाव किस ओर जाएगा, क्या 24 के चुनाव सत्ता पक्ष और महागठबंधन के बीच जाएगा या और पार्टियां भी इसमें अपनी अहम भूमिका निभाएंगी। क्योंकि अगर अहम भूमिका नहीं निभाएंगी तो निश्चित रूप से जो विपक्ष है वो मजबूत नहीं हो पाएगा, अगर मजबूत विपक्ष नहीं होगा तो कहीं ना कहीं हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है वो भी कम हो जाएगी। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और यहाँ पर सत्ता पक्ष अगर मजबूत है तो कहीं ना कहीं विपक्ष को मजबूत होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर विपक्ष मजबूत नहीं रहेगी तब भी दिक्कत रहेगी, और अगर विपक्ष के साथ सत्ता पक्ष दोनों मिलकर चलेंगे तो कहीं ना कहीं अगर कुछ ऐसे फैसले रहेंगे उस पर भी रोक लगाई सकेगी या सरकार का उस पर ध्यान दिया जा सकेगा। यहाँ पर बीएसपी अब समय समय ट्वीट करती रहती है, पर जो ट्वीट दलित मुस्लिम को लेकर उन्होंने किए हैं, जो ट्वीट उन्होंने मदरसों को लेकर किए हैं, जो ट्वीट उन्होंने पीएम आज से दलित नहीं बनाएगा उसको लेकर किए, तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि 24 के चुनाव को देखते हुए बसपा सुप्रीमो दलित मुस्लिम कार्ड को नज़र में रख रही हैं, कैसे माध्यम से अपनी खोई ज़मीन को खाने का यानी पाने का प्रयास किया जा रहा है। और महत्वपूर्ण विषय इसलिए भी है क्योंकि चुनाव को देखते हुए यहाँ पर व्यवस्थाओं को ठीक करना भी ज़रूरी है। अगर सामाजिक मुद्दों की हम बात नहीं करेंगे, चुनावी मुद्दों की हम बात नहीं करेंगे तो जनता के मुद्दों की बात कब की जाएगी। धार्मिक मुद्दों पर चर्चा हो जाती है, हिंदू मुसलमान पर चर्चा हो जाती है, और जो भी चर्चाएँ होती है वो अलग अलग माध्यमों पर अलग अलग मुद्दे पर हो जाती हैं, पर जब जनता के मुद्दों की बात करते हैं तो चर्चा की बात ही। फिलहाल मेहमान सारी जुड़ चुका, आपको रूबरू करा दूँ। मेहमान को बात करूँ, रामनिवास यादव भाई भारतीय पार्टी पर पक्ष रखे, तुषार श्रीवास्तव हमारी पार्टी पर पक्ष रखेंगे, बृहस्पति भाई प्रवक्ता कांग्रेस के ऊपर पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता सपा के रूप में तारिक खान अपना पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता सुभाषपा के रूप में अपना पक्ष रखेंगे, और धर्मवीर चौधरी जी बसपा से अपना पक्ष रखेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल रहेगा वो धर्मवीर चौधरी जी से रहेगा। धर्मवीर जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। जी धर्मवीर जी, कैसे देखते हैं, क्योंकि विपक्ष का कहना है, सत्ता पक्ष का कहना है कि अब ये राजनीति की जा रही है केवल, और हमने किया है, हम विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं, मदरसों को बेहतर करने का जो प्रयास किया जा रहा है उनका कायाकल्प करना चाहते हैं, और जो मदरसे इस लायक हैं उनको अनुदानित भी करेंगे, कैसे देखते हैं आप? देखिए गौरव जी, जब जब बीजेपी की सरकार बनती है जी, और काफी समय से बीजेपी की सरकार देश में और प्रदेश में चल रही है और काफी स्टेटों में चल रही है जी, तो ये पर्टिकुलर एक जाति धर्म को प्रताड़ित करने का काम गाये बजाए जी, ये इस तरीके की भावना से काम करते हैं बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग जी, कि ये जो मुस्लिम समाज के लोग हैं ये भय में जिए। अच्छा। और ये कोई पहला ये मदरसों का जो ये करा रहे हैं ये कोई ऐसा पहला मुद्दा नहीं है ये जी, ये तो जो है मतलब आप पिछले 5-7 साल का इतिहास उठा के देखें जी, तो ये हमेशा सरकार की कोशिश होती है जी, कि इन लोगों को उस तरीके से प्रताड़ित किया जाए जी, कि जिससे कि ये जो है अपनी रोजी रोटी भूल जाएं और भय में जिएं। ये सरकार का मंसूबा मतलब मुझे लगता है, और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने जो अपने ट्वीट के माध्यम से कहा है जी, तो उसमें कोई बेजा बात नहीं की उन्होंने जी। भाई एक बात बताइए कि मैं अगर गरीब बच्चों को पढ़ा रहा हूँ जी, तो उसमें सरकार क्यों उसकी जांच करा रही है? क्या ये शिशु मंदिर
शिशु मंदिरों की जांच कराई इन्होंने आज से पहले कभी? जी ये जो आरएसएस के माध्यम से स्कूल चल रहे हैं जी, तो उनकी जांच का भी अगर सरकार मुख्यमंत्री जी आदेश कर देते तो लगता कि भाई बैलेंस ठीक है, आप उनकी भी जांच करा रहे हैं, इनकी भी जांच करा रहे हैं जी। अब कोई गरीब बच्चे जो मैंने अक्सर देखा है कि मस्जिदों में मदरसों में इस तरीके के जो बच्चे पढ़ते हैं वो बहुत ही निहायत गरीब गरीब होते हैं जी, और उनको वो तालीम दी जाती है वहां पर पढ़ाई की जी। तो आप जो ये इस तरीके का प्रोपोगंडा दिखा रहे हैं, हाँ बेहतर ये होता कि आप ऐसी स्कीम लाते कि जो है वो उन मदरसों को आप आधुनिक शिक्षा से जोड़ते जी, और एक 5,000 करोड़ का 10,000 करोड़ का 2,000 करोड़ का एक सरकार फंड जारी करती कि भाई हम जो है ये इसका जांच इसकी हम बाद में होती रहेगी, लेकिन इन इन मदरसों को हाईटेक स्कूलों से जोड़िए, हाईटेक शिक्षा इसमें दीजिए जी। तो कैसे कैसे करके बच्चे वो पढ़ते हैं, आप आम परिवारों को देखिए, जिस परिवार में 2-3 बच्चे होते हैं उनकी पढ़ाई कितनी मुश्किल है जी। मेरी बेटी पढ़ती है डीपीएस में, 13-14-15 हज़ार रुपए हर महीने जाते हैं, मुझे पता है मैं कैसे देता हूँ जी। तो ये एक परिवार अपने 3 बच्चों को पढ़ाने में आजकल मुश्किल महसूस हो रही है, तो वहां पे हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं जी। तो फिर सरकार पे सरकार इन मदरसों पे टेढ़ी नजर क्यों डाल रही है जी? भाई आप उनको सरकारी उसमें लेके आइए, प्रावधान ऐसे कीजिए, सरकार बजट में ऐसा प्रावधान करे तो समझ में बात आती है कि भाई सरकार इनके स्तर को सुधारना चाहती है। शिक्षा तो सबको मिलनी चाहिए, फ्री में मिलनी चाहिए जी। लेकिन यहाँ पर ना शिक्षा फ्री है ना स्वास्थ्य फ्री है जी। कोई चीज तो है नहीं, बस जुमलेबाजी में ये लोग कहते हैं कि हम आपको राशन फ्री दे देंगे जी, वो भी सिर्फ वोट के समय में जी। तो मैं समझता हूँ कि सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए और अपनी भूल को सुधार करना चाहिए कि ये जो सरकार ने इनकी जांचों के आदेश दिए हैं तो ये मतलब इसमें कोई दम नहीं है। ये सरकार एक पर्टिकुलर समाज को दिखाने के लिए, एक पर्टिकुलर समाज को जो है खुश करने के लिए इस तरीके के काम कर रही है, तो इससे कोई भला सरकार का जो ये कहते हैं कि हम सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं और विश्वास की बात कर रहे हैं, तो विश्वास तो रहा ही नहीं है। तो आपका कहना ये डरा रहा है बस मुस्लिम समाज को, ये भय में रखना चाहते हैं उनको। अच्छा, ये मुस्लिम समाज को डरा करके भय में रखना चाहते हैं जी, इनका ये मंसूबा है। और क्या कारण आप मुझे बताइए जी। और वो तो कह रहा हम विकास करना चाहते हैं, उनको अच्छा करना चाहते हैं। तो मैं कह रहा हूँ ना, मुख्यमंत्री जी जब 5 साल पूरे करके दोबारा टर्न शुरू किया तो उनको ये चाहिए था कि वो एक विधानसभा के सत्र में विधानसभा पटल पर ये घोषणा करते कि भाई हमने जो है 2,000 करोड़ रुपया इन मदरसों में जहाँ ये बच्चे पढ़ते हैं हमने आवंटित कर दिया, अब इनका कायाकल्प होगा, इनको आधुनिक शिक्षा से भी जोड़ा जाएगा जी। जो ये जहाँ जो इस शिक्षा चल रही है उसको अंग्रेजी से जोड़ेंगे, हिंदी से जोड़ेंगे, और उसको हम आधुनिक शिक्षा से जोड़ेंगे। एक हाथ में कुरान होगी तो एक में कंप्यूटर होगा जी। तो ये पहले करते जी। लेकिन इनकी कथनी और करनी में चूंकि अंतर है, ये कहते कुछ है करते कुछ है जी। ठीक है, इसीलिए इन पर संशय बहन जी ने ये ट्वीट किया है जी। ठीक है, जवाब लेता हूं। सरकार के पास में 1,000 करोड़ का फंड होता है, बहन जी ने 100 मदरसों को सरकार की गाइडलाइन में लिया जी। तो ये कम से कम 100-200 ये लेते पहले, तो फिर करते। हमने उर्दू फारसी विश्वविद्यालय लखनऊ में बनवाया जी, मुस्लिमों की एजुकेशन के लिए बनवाया ना जी, बिल्कुल। तो इनको भी ऐसे भी कोई मापदंड पैदा करने चाहिए, वीर अब्दुल हमीद के नाम पर, अशफाक उल्लाह खान के नाम पर, पूर्व राष्ट्रपति कलाम साहब के नाम पर कोई यूनिवर्सिटी खड़ी करते ये जी, बिल्कुल। और कहते कि हम इसमें जो है हर तरीके की शिक्षा दिलवाएंगे, एक क्लास से लेके और विश्वविद्यालय तक बनाएंगे। जवाब लेता हूँ। रामनवाल भाई जवाब दीजिए भाई, क्या नीति है आपकी? गौरव भाई जी बहुत पुराने नेता हैं बहुजन समाज पार्टी के जी, और लंबे समय से सत्ता से बाहर हैं जी। 2012 में जी यही बहन जी जब बुरी तरह चुनाव हारी जी, तो इन्होंने कहा कि प्रदेश का मुसलमान गद्दार है। अच्छा, हमने इनके लिए बहुत सारे काम किए, इन्होंने हमको वोट नहीं दिया। आज जब बिल्कुल नेपथ्य में चली गई, पूरे प्रदेश में एक विधायक है वो भी अपने दम पर हैं जी। जब बसपा पूरी खत्म हो गई तो बहन जी को लगता है कुछ ऐसे बयान देके
शायद कुछ सहानुभूति मुस्लिम समाज की एकत्र कर लें। अच्छा। इसलिए उन्होंने ऐसा बयान दिया है। मैं बता दूं कि सर्वे जो सरकार ने तमाम उत्तर प्रदेश में जब सर्वे चला, तमाम फर्जी विद्यालय मिले, लगभग 400 विद्यालय सरकार ने रद्द किया और करीब 150 खिलाफ मुकदमा लिखा गया स्कूलों के, स्कूल सर्वे कराया स्कूलों का। अच्छा, क्योंकि ये योगी जी की सरकार है। कराए थे क्या? बोला शिशु मंदिर का नहीं कराया। मैंने कहा शिशु मंदिर तो सारे मान्यता प्राप्त हैं। अच्छा, आप उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। अच्छा, लेकिन आप समझिए कि जब हमने विद्यालय कराए, 150 विद्यालयों के खिलाफ FIR कराई, 400 की मान्यता रद्द हुई, ये योगी जी की सरकार है। अवैध काम कोई नहीं चलेगा, चाहे मदरसा हो चाहे विद्यालय हो, जो कानून के अनुसार काम करेगा हमारी सरकार उसको प्रोत्साहन दे रही है। भाई 16,513 मदरसे हैं, इसमें 500 मदरसों को सरकार अनुदान दे रही है। धर्मवीर जी बात मत सुन लीजिए, नहीं नहीं धर्मवीर जी, मैंने बहुत अच्छी तरह सुना आपको, सुनने का प्रयास करिए। 16,513 मदरसे, इसमें 7,500 से ज्यादा मदरसे अवैध मिले जी, तो अगर सरकार जांच नहीं करेगी कैसे जानकारी होगी? आज आप जो डिबेट कर रहे हैं, बहन जी ट्यूट कर रही हैं, कैसे इनको मौका मिलता? भाई योगी जी की सरकार है, उन्होंने कहा कि हम सबको शिक्षा देंगे, सबके स्वास्थ्य की चिंता करेंगे, सबको आवास देंगे। तो अगर हम सबको आवास दे रहे हैं, सबको शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं, सबको स्वास्थ्य की सुविधाएं दे रहे हैं, सबको हम मकान दे रहे हैं, सबको पानी, सबको बिजली की व्यवस्था हम कर रहे हैं, किसान सम्मान निधि हम सारे लोगों को दे रहे हैं, तो अगर हम शिक्षा सबको देने की बात कर रहे हैं, कोई सर्वे करेंगे, कहीं जांच करेंगे कहां कोई कमी है उसको पूरी करने का? अभी तो हमने सर्वे कराया भाई, सर्वे नहीं गौरव भाई जी, 7,500 मतलब आधे मदरसे अवैध निकले, फर्जी निकले जी, उसमें क्या पढ़ाई होती है जी? मैं आपसे कहना, उत्तर प्रदेश में 16,513 मदरसे हैं। अच्छा। एक मदरसे का नाम बताइए, इस मदरसे की शिक्षा पढ़ के कोई डॉक्टर बना हो, कोई इंजीनियर बना हो, कोई IAS बना हो। भाई इस देश में, इस प्रदेश में रहते आपको शिक्षा पाने का अधिकार है, अच्छी शिक्षा पाने का अधिकार है, बड़े पद पर जाने का आपको अधिकार है। अगर योगी जी ने एक अच्छे मन से एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था लागू करने के लिए मदरसों का सर्वे करा के जहाँ कोई कमी उसको ठीक करने का काम करने का अगर प्रयास हमारी सरकार कर रही है, तो हमको लगता है किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, इसका स्वागत करना चाहिए। अच्छा ठीक है, 1200 बच्चे नीट परीक्षा पास किए हैं रामनवास भाई मदरसों के ही, अभी थोड़े समय पहले आंकड़ा आया था, उसको बढ़ाई भी दी गई। खैर महत्वपूर्ण विषय है, चर्चा आगे चलती रहेगी। हमारे साथ तारिक भाई समाजवादी पार्टी जुड़े हुए हैं। तारिक भाई आपको मेरी आवाज आ रही है? तारिक जी आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, जी। तारिक भाई यहाँ पर बसपा सुप्रीमो का बड़ा ट्वीट यहाँ पर आया है और उन्होंने मदरसे के सर्वे को लेकर कहा है कि चंदे से चल रहे मदरसों में सरकारी दखल क्यों, हमने अपने समय में 100 मदरसों को बोर्ड में शामिल किया था, और क्या यूपी सरकार प्राइवेट मदरसों को अनुदान सूची में शामिल करके उनको सरकारी बनाएगी? मदरसे का जो मुद्दा था फिर ज्वलंत हो गया है, कैसे देखते हैं आप? देखिए अब जहां तक मायावती की बात है, बहन कुमारी मायावती की जी, तो भाई इनका रोल तो पिछले कुछ समय में अगर आप किसी भी पॉलिटिकल एनालिस्ट से पूछेंगे जी, तो वो बीजेपी को आगे बढ़ाने का। अच्छा, इनका पतन हुआ और इन्होंने इनके जो वोट हैं जी, वो इस तरीके से काम कर रहे हैं जिसकी वजह से बीजेपी को भरपूर लाभ। आप नहीं कहते एकदम भी जी कि हमारी हार का या हमारी जीत का जिम्मेदार जी कोई और है, और भाई समझिए मैं कहना क्या चाहता जी, लेकिन जब एक कोई पॉलिटिकल एनालिस्ट से आप पूछेंगे जी कि इधर BSP का रोल क्या रहा है, तो वो यही कहेगा कि वो भाजपा को लाभकारी पहुंचाने वाला ये रहा है। अच्छा। और ना कि जो एक भाजपा को हटाने वाली मुहिम है उसकी जी, तरफ जी। एक सवाल ये, दूसरा क्या बहन जी जैसे हमारी सरकार जब थी जी, तो यहाँ सीधे सीधे गौरव भाई अगर सर्वे कराया जा रहा है तो उसको क्या सरकारी अनुदान दिया जाएगा? 500 कुछ मदरसे हैं जो सरकारी अनुदान प्राप्त हैं जी, तो मैं ये कह रहा हूं, मैंने कई बार आप क्या देखिए मदरसे वाला मसला फिर से छिड़ गया है भाई, ट्वीट हुआ है तो अब छेड़ा तो जाएगा, बात फिर से कहना पड़ेगा जी। गौरव भाई कई बार मैं कह चुका हूं कि अमूल क्या था जी, अमूल गुजरात के जो डेयरी किसान थे उनका एक कोऑपरेटिव मूवमेंट था जी, इसी को कोऑपरेशन से अगर कोई चीज आगे बढ़ रही है
उसमें सरकार की कोई बाधा नहीं है। मदरसे को अगर कुछ कॉपरेशन से लोग किसी भी धार्मिक एजुकेशन ले रहे हैं, जो कि संविधान की जो फंडामेंटल राइट है, धारा 25 में क्लियरली लिखा है जी, उसका प्राविधान है जी। अब आप सर्वे करवा रहे हैं, हमें उससे भी दिक्कत नहीं, सर्वे से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहन जी का स्टेटमेंट हो जो होते हैं जी, वो खाली ट्वीट के माध्यम से कर दिया जाता है, उनका जमीनी कोई लड़ाई रह नहीं गई है। अच्छा। कि बीजेपी को रोकने का काम किया जाए। अच्छा। बीजेपी को बढ़ाने का काम। अच्छा, बड़ा काम कर रही है। अच्छा। कई सीटें ऐसी नहीं, ऐसा था नहीं। हाँ। इधर ऐसा लगता। अच्छा, ऐसा लगता आपको। अब मैं ये कह रहा हूँ जी कि आप सर्वे कराइए, लेकिन क्या सरकार ने सर्वे का ऑब्जेक्टिव बताया गौरव भाई? क्या कभी ये सर्वे हुआ कि उत्तर प्रदेश में कितनी कोचिंगे हैं नीट की? क्या ये सर्वे हुआ गौरव भाई आज जी? हुआ या नहीं हुआ ये बताइए। नहीं हुआ भाई। तो गौरव भाई इसका सर्वे करना चाहिए ताकि ये पता चले कि हम कितने MBBS क्रिएट कर पा रहे हैं, कितने BMS क्रिएट कर पा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि क्या मदरसों का नाम लेकर बीजेपी चुनाव को पोलराइज करने के मूड में रहती है हमेशा? मदरसे का नाम जिंदा रहे गौरव भाई, पाकिस्तान बार बार आता रहे, जिन्ना की बात होती रहे। अच्छा। औरंगजेब की बात होती रहे, ज्यादातर चीजें जो है वो औरंगजेब की वजह से खराब है। इन सब चीजों से इनको अच्छा आने वाले जो स्टेट के चुनाव हैं और निकाय के जो चुनाव, क्योंकि वो शहरी चुनाव थे, इनको राजनीतिक लाभ लेने के लिए अच्छा ये सब चीजें मुद्दे गर्म रखे जाते हैं। एक और बात, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन दूं आपको जी, सेकेंडरी बोर्ड एजुकेशन के भी सर्वे हो रहे हैं गौरव भाई स्कूलों में, क्योंकि मैं एक स्कूल चलाता हूं, इसलिए 20 पन्ने का एक सरकार की तरफ से बुकलेट आई है, उसको भर के भेजना है, टाइप ऑफ सर्वे ही है जी। उसकी तो चर्चा नहीं हुई, उसको मुद्दा नहीं बनाया गया। जितने स्कूल 6 से 12 तक चल रहे हैं, उनको सब कुछ भर के देना है कि आपका आपके पास लैंड कितनी है, टीचर कितने हैं, मतलब उसमें इतनी ज्यादा डिटेल भरनी है कि आजकल मुझे नहीं लगता कि आज तक उसपे भी डिबेट करा लीजिए। आप इसको पता करिए। अच्छा। मैं कह रहा हूँ आप तक ये बात आई भाई, मामला तब जाहिर होता है ना, तब डिबेट होती है, उसपे विरोध होना शुरू होता है। अगर कोई विरोध ही नहीं करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, सर्वे कराते रहिए। मदरसे में भी विरोध नहीं है जी, लेकिन वहां ऑब्जेक्टिव बता दिया गया है कि वो सेकेंडरी एजुकेशन का जो सर्वे कराने का मतलब ये है कि जो प्राइवेट इंटरमीडिएट स्कूल है, उद्देश्य बताया तो है कि विकसित करेंगे, बेहतर करेंगे, ये तो बताया है। तो गौरव भाई जब आपने इतने सालों में विकसित नहीं किया, तनख्वाह नहीं दी, फिर वही पहुंच रहा हूं। अगर बीजेपी के प्रवक्ता मौजूद है जी, 25,000 एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर, बड़े बाबा जी ने कहा था, दो बाबा जी हैं, छोटा बाबा जी उत्तर प्रदेश में। आपकी सरकार रही है, आपने कितने मदरसों को लिया है अनुदान दिया भाई? आपकी सरकार 147 मदरसों को सरकारी अनुदान दिया। अच्छा। 5 साल में 147 मदरसों को जी गवर्नमेंट एड दिया जी। करो भाई, अगर हम सर्वे करा रहे जी, हम सरकार है जी, अगर हम प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को कि हम इन सर्वे के बाद जी उनको सरकारी अनुदान देंगे, सर्टेन बेनिफिट्स देंगे, तो इस सर्वे में कोई सवाल नहीं चाहिए। वो भी क्लियर हो जाएगा, समय उसके लिए भी है। गौरव भाई इनका इतिहास तो ऐसा नहीं रहा है। अच्छा। लेकिन फिर उम्मीद रखते हैं कि आने वाले टाइम में करें जी। ठीक है, ठीक है, सरकार से एक विपक्ष उम्मीद ही रख सकता है। ठीक है, उम्मीद रखिए, लेकिन इतिहास चिल्ला चिल्ला के गवाही देता है कि इन्होंने कुछ भी नहीं किया। ठीक है, ठीक है, जवाब लेता, जवाब लेता, बाद में लेता हूँ। हमारे साथ कांग्रेस से विनोद भाई जुड़े हैं। विनोद भाई, कैसे देखते हैं आप इस बयान को, इस ट्वीट को? राजनीति सक्रिय हो गई 24 चुनाव को लेकर, और समाजवादी पार्टी का अलग कहना है, बीजेपी का अलग कहना है कि केवल और केवल अब जागे हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे तो लगता है गौरव भाई, बड़ी ईमानदारी से, बदलता हुआ जो आज का राजनीतिक समीकरण है जी, जो राजनीतिक परिवेश है जी, उसमें जो किसी भी दल को या किसी भी धर्म को, जो भी पार्टियां अपना एक अधिकार समझ के राजनीति करती हैं और बहुत सारी खरीद बिक्री
और उस पे अपना एकाधिकार समझ के वोट बैंक की सियासत करती हैं और उनके लिए वाकई में कुछ करने का प्रयास करती नहीं है ना करती हैं, उन सब के लिए जनता ने शायद मोटे तौर पर मन बना लिया है। तो ये केवल जो ट्वीट वाली रस्म अदायगी या केवल किसी एक विषय पर उनके राजनीति को सूट करता है, जमीन पे उतर के संघर्ष नहीं करना है, कोई ऐसा विश्वास नहीं देना है उस वर्ग के लोगों को जो अपेक्षित हैं, शोषित हैं, वंचित हैं या किसी भी अधिकार से वंचित हैं, उनको सरकार के खिलाफ आंख में आंख डाल के भारतीय जनता पार्टी के सड़क से लेके संसद से लेके और संवैधानिक राजनीतिक वैचारिक नैतिक लड़ाई लड़ी जाए तो वो कोई पार्टियां कर नहीं रही। देखिए चुनाव के पहले चुनावी मौसम में बाहर की तरह आके अपना रंग ढंग दिखा के थोड़ा बहुत ट्वीट करके थोड़ी बहुत भाषणबाजी करके चले जाते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जन सरोकार के अधिकारों को लेके मुद्दों को लेके अगर कोई लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है तो भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम के साथ और कांग्रेस पार्टी जहां जहां भी जिस भी स्थिति में है उस पूरी मजबूती से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनता की लड़ाई लड़ने का काम कर रही है। और बहन जी की एक बात, बहन जी बहुत वरिष्ठ नेता है, देश की सम्मानित नेता है, कई बार मुख्यमंत्री रही, लेकिन ये मैंने क्यों कहा, धर्मवीर भाई जानेंगे, धर्मवीर भाई बड़े अनुभवी प्रवक्ता है, लेकिन देखिए दलितों का सम्मान, दलितों का अधिकार, जब खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं, राष्ट्रीय पार्टी के सर्वोच्च पद पर आसीन होते हैं तो उनको ये बात राजनीतिक लगती है और उन्होंने कटाक्ष किया बहन जी ने, ये बहुत शर्मनाक है। और दलित अब इनकी इस प्रकार की बात में, इस प्रोपेगेंडा में, इस स्वार्थ की राजनीति में उलझने वाला नहीं है। दलित का मतलब सिर्फ मायावती जी खुद और उनका परिवार मात्र तक नहीं है, अब दलित जाग गया है, अल्पसंख्यक भाई हमारा जाग गया है, वो देख रहा है खुद से, खुले मन से जी। वो तो देखिए वक्त बताएगा, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं, लेकिन वो ये जानता है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ साहस के साथ जी। अधिकारों के साथ संवैधानिक राजनीतिक लड़ाई सड़क पर उतर के लड़ने का काम कौन कर रहा है? और तो कोई बी टीम, कोई सी टीम, कोई कहां से बी टीम सी टीम, कोई कहां से पोषित है, कोई कहां से सिंचित है, ये देखिए रामनिवास भाई का मैनेजमेंट है, इन्होंने सबको मैनेज कर लिया है एक्सेप्ट कांग्रेस पार्टी, वो कभी कर भी नहीं पाएंगे। अच्छा, लेकिन क्या है, भारतीय जनता पार्टी के प्रबंधन में बहुत सारी चीजें हैं, उसमें कैरेट फॉर्मूला है, स्टिक फॉर्मूला है, बहुत सारे ईडी फॉर्मूला है, सीबीआई फॉर्मूला है, बहुत सारे प्रेशर पॉलिटिक्स फॉर्मूले हैं, तो सारे लोग सरेंडर हैं। लेकिन चूंकि राजनीति में बने रहना है, दिखना है, आप जैसे चर्चा में धर्मवीर जी को आना है, बसपा का पक्ष रखना है, तो कुछ एक रस्म अदायगी के लिए ये बातें हो जाती है। लेकिन आज की जनता राजनैतिक रूप से बहुत सजग है और वो देख रही है, वो इस्तेमाल होने वाली नहीं है। ठीक, जो उसके साथ 300 दिन उसके अधिकारों की बात करेगा, भारतीय जनता पार्टी के दुस्साहस, भारतीय जनता पार्टी के अनैतिक आचरण, भारतीय जनता पार्टी की मनमर्जी तानाशाही के खिलाफ आंख में आंख डाल के जो जनता की लड़ाई लड़ने का काम करेगा, अगर समर्थन देगी जनता तो उसको देगी। ठीक ठीक है भाई। तो सर भाई अपनी बात बताइए भाई, आपके भी लगातार बयान भाई सरगर्मियां जारी है, कभी बयान स्वास्थ्य झाड़ू को लेकर हो जाता है, कभी गुजरात में जीत को लेकर हो जाता है, तो कभी बयान नोट पर भारतीय करेंसी पर लक्ष्मी गणेश की फोटो लगाने को लेकर हो जाता है। गौरव भाई देखिए, जैसे कि देख रहे हैं मायावती जी का एकदम से दलित प्रेम जाग उठा है, आज तक वो दलित प्रेम एकदम से छुपा बैठा हुआ था। अच्छा, आप जान रहे हैं चुनाव आ रहा है। अच्छा, वो दलितों के वोट को सिर्फ यूज करना चाहती है, उनका प्रयोग करना चाहती है। अच्छा, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि इस समय प्रदेश का दलित, जो भी दलित समाज है, मुस्लिम समाज, वो जाग चुका है। अच्छा, आप देखिए देश का एक नेता अरविंद केजरीवाल। अच्छा, जिसने की दिल्ली के अंदर भीम योजना बनाई, जिसके अंदर गरीब के बच्चे पढ़ रहे हैं वहां पे, जहाँ पे आज मेडिकल की पढ़ाई में 10-10 लाख 20-20 लाख रुपए देते थे, लोग एफोर्ड नहीं कर पाते थे, लेकिन आज गरीब का बच्चा वहां पे पढ़ रहा है, तो वहां से दलित का उत्थान हो रहा है। सिर्फ ट्विटर बाजी से, इसी के कमरे से बैठ के ट्वीट करने से दलित का उत्थान नहीं हो सकता। अच्छा, आप देखिए मायावती जी, आज से पहले हमने कोविड काल देखा, बहुत सारी दलितों के साथ घटनाएं हुई, जहां रायबरेली की घटना आप देख लीजिए, जहां आप लखीमपुर खीरी की घटना देख लीजिए, हाथरस की घटना देख लीजिए, लेकिन मायावती जी का एक ट्वीट तक के नहीं आया उस पे, ना ही उन्होंने उस दलित जो भी जो हुआ उसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई। तो जनता देख रही है, जैसा कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे भाई बैठे हैं रामनिवास जी, तो देखिए हिंदुत्व की बात ये बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। अच्छा, ठीक है, ये कहते हैं कि हिंदुत्व के ठेकेदार सबसे बड़े हम हैं, लेकिन अगर आप भी तो हैं, आप भी तो बयान दिए कल केजरीवाल जी बोले हैं, मैं कह रहा हूँ कि अगर अरविंद नहीं है हिंदू के, बिल्कुल आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन
अगर अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि नोट के ऊपर एक तरफ गांधी जी की फोटो, एक तरफ माता लक्ष्मी और गणेश जी की फोटो। अच्छा। माता लक्ष्मी समृद्धि की है। अच्छा। और गणेश जी जो हमारी विघ्न होते हैं उनको हरते हैं। अच्छा। तो लेकिन अगर आप इनसे इनके प्रवक्ताओं से कोई भी सवाल पूछिए तो वो चुप्पी साध लेते हैं, उस पर इनका जवाब नहीं होता है। कल भी डिबेट किया था, बोल रहे थे भाई चुनावी स्टंट है, चुनावी स्टंट है। आज देखिए नोट इंडोनेशिया जहाँ पर 85% मुस्लिम समाज रहता है, वहाँ के नोट के ऊपर गणेश जी की फोटो है, तो क्या हम भारत में नहीं कर सकते? अच्छा। ये अरविंद केजरीवाल ने अपना एक सुझाव प्रधानमंत्री को चिट्ठी के तौर पे दिया, लेकिन कल से देखिए कितनी तरीके से राजनीति एकदम गर्मा चुकी है। जी। तो वो कह रहे हैं, कोई कहता है, इन्हीं के प्रवक्ता बोलते हैं कि नोट के ऊपर अगर माता लक्ष्मी और गणेश जी की फोटो है वो आरबीआई गवर्नर तय करेगा, तो इसका मतलब इनकी सरकार कहीं है ही नहीं। अच्छा। अगर सरकार इनकी चल रही है तो वो गवर्नर के थ्रू चल रही है आरबीआई के, तो इनकी करनी और कथनी में बहुत अंतर है। अच्छा, ठीक है धर्म भाई, आपकी सावधान यात्रा समापन हो गया, बधाई हो आपको, बड़ी लंबी यात्रा रही 75 जिलों से। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो ये बताइए कि यहाँ पर तो तमाम तरह की चर्चाएं हो रही है और केजरीवाल जी बयान देते हैं, और दयाराम भाई लेकिन यात्रा करके आप तंदुरुस्त हो गए, आपका वजन घटना चाहिए था, माफी चाहता हूँ। यात्रा खैर जो भी रही हो, खैर यात्रा, खैर नारायण भाई कैसे देखते भाई यहाँ पर, आप भी लोग भी लगातार पिछड़े वर्ग की बात करते हैं, दलित वर्ग की बात करते हैं, संघर्ष की बात करते हैं, और यहाँ पर बसपा प्रमुख ने भी जिस तरह से ट्वीट किए हैं मदरसों को लेकर, दलित पीएम को लेकर, आप कैसे देखते हैं? देखे जी जी, आज जो ट्वीट कर रहे हैं जी, उसका खेल का कारण है कि उत्तर प्रदेश में हाँ, 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही जी, 4 बार जो मुख्यमंत्री रही तो इनको याद क्यों नहीं आए ये सारी चीजें? अच्छा, आज देश और प्रदेश में महंगाई चरम सीमा पे है, उसपे ट्वीट नहीं आता है जी। उत्तर प्रदेश में अभी दलित की बात कर रहे हैं ना कि देश में कोई दलित प्रधानमंत्री नहीं हुआ जी, जिस प्रदेश की आप मुख्यमंत्री रहे हैं हाँ, उसी प्रदेश में पिछड़े और दलित छात्र की उत्तर प्रदेश में छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है जी, उससे एक ट्वीट नहीं आता है जी। समाजवादी हो, बसपा हो, सपा हो, भाजपा हो, किसी भी अन्य की बात करता हूं जी, हर कोई फ्री की बात करता है। हमारे देश में एक राष्ट्रपति, एक प्रधानमंत्री, प्रदेश का एक मुख्यमंत्री, एक संविधान, तो हमारे देश में एक शिक्षा नीति क्यों नहीं होनी चाहिए? इस पे आम आदमी पार्टी के केजरीवाल का ट्वीट क्यों नहीं आता? अच्छा, लक्ष्मी गणेश लोगों के हृदय में बास करते हैं जी। और आपको मैं बताना चाहूंगा अरविंद केजरीवाल जी का जो खेल है उसको समझिए। अच्छा, आप देखिए शिक्षा के मंदिर की मैं बात बताता हूं जी, कि अगर लक्ष्मी गणेश की बात करते हैं जी, हम चले जाए त्रेता युग में अगर, तो वहां पे शंकर जी और गौरा पार्वती जी उनके 2 पुत्र थे, कार्तिकेय महाराज जी गणपति महाराज जी। उन्होंने बल बुद्धा और शिक्षा का परीक्षा लेना चाहा जी, उन्होंने कहा जो तीनों लोगों का भ्रमण करके सबसे पहले मेरे पास आएगा जी, वही सबसे बड़ा होगा। ठीक, कार्तिकेय महाराज जितना ज्ञान था जी, वो चल दिए तीनों लोगों का दर्शन करने जी, लेकिन धन्य है शिक्षा की देवी सरस्वती जी, जी क्या ज्ञान अर्जित किया गणेश जी ने जी, उन्होंने माता पिता के दर्शन करके। अरे वो तो ठीक है, पर ये बताइए, वो तो बताइए, मैं बता रहा हूँ वही जी, मैं वही आ रहा हूँ, लक्ष्मी गणेश की नोट पे लाना जी, तो पूरे देश में एक समान शिक्षा क्यों नहीं होनी चाहिए, हमारी इसकी चर्चा है जी। दूसरी जी, अब बहन कुमारी मायावती जी दलित और मुस्लिम वर्ग की जो बात कर रहे हैं हाँ, आप बताइए 4 बार की मुख्यमंत्री रही है, 1471 थाने उत्तर प्रदेश में है जी, अगर इन थानों में मैं अगर ढूंढने चला जाऊं जी, तो इसमें प्रजापति पाल, गड़ेरिया भर, राजभर चौहान, बिंद, केवड़, मल्ला, हरक, अरवंशी, खंगार, खटिक, बहरिया, दुनिया, अंसारी, पासी, दर्जी, बहुत जल्दी एक भी व्यक्ति जो है जी, वो आपको थाने पे थाना अध्यक्ष नहीं मिलेगा। अच्छा, जब आप जातियों की पार्टिकुलर बात करती हैं, तो उत्तर प्रदेश की जब 4 बार सीएम रही है तो आप बताइए एक भी राजभर कहीं थाने में है थाना अध्यक्ष आपने बनाया जी? नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया जी? अर्धवंशी, बहरिया जो खंगार है और क्या नाम अरक है, ठीक है, इसको लेकर के जब इनको हिस्सा
रहा होता है जी, तब ये लोग जब सत्ता में होते हैं अच्छा, तब ये लोग मनगढ़ंत कहानी करके सत्ता चलाते हैं अच्छा, जब आप सत्ता से बाहर होते हैं तब आप उनकी बात करते हैं। आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर, जब हम सत्ता में थे तब भी हम बात कर रहे थे, हम सत्ता से बाहर है तब भी हम सदन से सड़क तक हर बार की आवाज। अरे बाहर है कि अंदर होने वाले हैं? अरे वो पूछ रहा है ब्रह्मेंद्र भाई, बाहर है कि अंदर होने वाले हैं? कब अंदर, कब तक अंदर? सिक्योरिटी मिल गई है? देखिए देखिए ऐसा है जी, देखिए ये हमारे विनोद भाई हैं जी, ये कांग्रेस की जीता जागता सबूत है अच्छा। अगर कांग्रेस की नाकामी ना होती अच्छा, भारतीय जनता पार्टी देश और प्रदेश में ना होती अच्छा। ये विनोद भाई हमारे अच्छे साथी, तारिक भाई बेच रहे हैं और ब्रह्मेंद्र भाई बेच रहे हैं बहुत बढ़िया जी, क्योंकि आज कांग्रेस की देन है, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है। आप बताइए चले ठीक है, हो गया हो गया हो गया। रामनिवास जी भाई संभालिए कोई बात, हो गया हो गया हो गया, बात बनते हो गया, बिगड़ गया। धर्मवीर जी, धर्मवीर जी आपने सबकी बातें सुनी और किस तरह देखते भाई, अब आप जवाब दीजिए सब। देखिए ये जो बीजेपी वाले लोग हैं इनके लिए तो मैं बता ही चुका हूँ, बाकी अभी ये जो राजभर साहब की पार्टी से हमारे सम्मानित भाई बोल रहे थे जी, इनके चाल चरित्र चेहरे को आप पढ़िए जी, और इनके पिछले ट्रैक रिकॉर्ड को आप देखिए जी, ये जो है कहाँ चुनाव लड़ते हैं, किसके साथ लड़ते हैं, फिर कूद के कहाँ चले जाते हैं जी। तो ये जनता ऐसे लोगों को स्वयं नकार देती है जी। और ये बहन जी के पैर के नखून के बराबर भी नहीं है अच्छा, इनकी कोई हैसियत नहीं है, ऐसे लोगों की कोई हैसियत नहीं होती जी। तो इनके लिए मैं क्या टिप्पणी करूं, इनकी कोई धर्मी सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, बोलिए बोली धर्मी जी। तो ये लोग जो है जी, ये खुद अपने ग्रीवान में पहले झांके, अपने चाल चरित्र चेहरे को देखें जी, कि ये जो है राजनीति कहाँ की करना चाहते हैं, किसकी करना चाहते हैं। अभी आप कह रहे थे अंदर है बाहर है कहाँ है, इनको खुद नहीं पता कहाँ है, पर तलुए चाटने चले गए बीजेपी के कार्यालय में मुख्यमंत्री के यहाँ पर जी। तो ये इनका दोहरा चरित्र, जैसे बीजेपी का दोहरा चरित्र है वैसे इनका दोहरा चरित्र है जी। और कांग्रेस के भाई भी बोल रहे थे जी, तो कांग्रेस ने तो 60 साल तक इन दलितों को ठगा जी, इन मुसलमानों को ठगा जी, और ये जो संकीर्ण सोच की ताकत है, ये जो मनुवादी मतलब जनता के आशीर्वाद से, जनता के भाई को लगाने वाले लोग, किसी को सेवा करने का अवसर मिलता है तो ठगा। अरे आप अपने स्वार्थ में जनता को क्यों उत्पन्न करने का काम कर रहे हैं? जनता को वोट मत समझिए धर्मवीर भाई, आपको वोट दे भाजपा को, वोट दे तो जनता बहुत अच्छी लड़ाती है, लेकिन बीएसपी अकेले और कांग्रेस को अवसर दे सेवा करने का तो जनता एक राजनीतिक पार्टी के साथ ऐसे कैसे चलेगा भाई? मूवमेंट है महापुरुषों का जो कभी खत्म नहीं हो सकता जी। हम उस समता मूलक समाज की स्थापना के लिए संघर्ष करते हैं, उसमें चाहे मुस्लिम समाज के लोग हो और चाहे अन्य समाज के लोग हो, ना हम जाति की बात करते ना हम धर्म की बात करते। अरे आप तो मांग करते चौधरी भाई को राष्ट्रीय भूमिका निभा के और संगठन का काम करने देना चाहिए, पार्टी को बढ़ाने के लिए जो है, जो मायावती जी करें। हताशा और निराशा है जी, वो दिखाई दे रही है जी, और हम तो फिर ताल ठोक के मैदान में है जी। हार जीत जो है लगी रहती है चुनाव में, कोई जीतता है कोई हारता है। धर्मवीर जी, दो सांसदों से शुरू हुई थी, प्रवक्ता सभा बोल रहे थे कि आप बी टीम सी टीम बता रहे थे, बी टीम है उनको बढ़ाने काम कर रही है भाजपा। मोहन सपा के साथी जो बोल रहे हैं मुलायम सिंह जी इस दुनिया में नहीं है, वो मोहन भागवत जी के लंगोटिया यार थे अच्छा, मोदी जी को आशीर्वाद देते हैं लोकसभा में जी। और जब देखिए इनका दौरा चरित्र देखिए, ये जब हम आजमगढ़ में मजबूती चुनाव लड़ते हैं तो कहते हैं कि साहब आपने जो है बीजेपी को सपोर्ट कर दिया जी, हम हार गए। और हम रामपुर में चुनावी नहीं लड़ते तो कहते हैं साहब आप चुनाव नहीं लड़े इसीलिए हम हार गए। बताइए तो ये समाजवादी पार्टी जी ने जितना दुवन मुस्लिम समाज का किया है, आज मुस्लिम समाज दोहराए पर खड़ा है, और बकरी चोरी के से लेकर के और दुनिया भर के इल्जामों में आजम खान साहब जेल में है, आज भी उनको सजा हुई है। तो मैं कोर्ट के ऊपर तो कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन आज ये जो मुस्लिम समाज है ये ठगा हुआ था महसूस कर रहा है जी, बिल्कुल। अगर अगर इतनी ताकत मुस्लिम समाज के लोगों ने बहुजन समाज पार्टी के साथ लगाई होती तो ये संकीर्ण ताकत की जो सोच वाली पार्टियां हैं ये सत्ता में काबिज नहीं होती गौरव जी, जी। लेकिन लेकिन ये लोग तो उस तरीके के भ्रम जाल में फंसा करके आदमी को वोट लेने का काम करते हैं। एक पार्टी है जो एक समाज का वोट लेना चाहती है, दूसरी पार्टी है वो दूसरे समाज का वोट लेना चाहती है, लेकिन जनता जो है हमेशा लोकतंत्र में भगवान की तरह होती है
और निश्चित आज जनता अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस कर रही है, चाहे वो बीजेपी के लोगों ने प्रधानमंत्री अन्न योजना बंद करके जनता को जवाब दे दिया, ये जो बीजेपी के लोग हैं ये किसानों की आय को दोगुना करने का वादा करके आए थे, 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देने का वादा करके आए थे, कहाँ चले गए इनके वादे, ये बुलेट ट्रेन लेने की बात करते थे, ये जो आज प्रधानमंत्री मंदिरों में घूम रहे हैं, कभी केदारनाथ कभी अयोध्या, ये अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए घूम रहे हैं, क्योंकि ये बताने के लिए इनके पास कुछ नहीं है कि इन्होंने विकास का कौन सा एजेंडा चलाया है, क्या डेवलपमेंट किया है, इनके पास कुछ नहीं है। बहन जी ने एक आज से, गौरव जी आज से 20 साल पहले कोई नेता एक्सप्रेस वे की कल्पना करता था भारत में? बिल्कुल, हमने बगैर किसी 1 रुपए के, जी, बगैर किसी खजाने के 1 रुपए के हमने नोएडा से आगरा तक का एक्सप्रेस वे बनवाया, आज तक उसमें कोई दरार भी आई हो तो आप मुझे बता दीजिए, इनके बनाए हुए एक्सप्रेस हाईवे जो टूट रहे हैं। जी, तो ये बीजेपी वाले जो है, जी, ये इस तरीके के धर्मों के चक्कर में फंसा करके और उस तरीके से लोगों को जो है भ्रमित करके वोट ले लेते हैं। क्या मैं ये मान सकता हूँ कि दलित और मुस्लिम वर्ग का बेहतर करने के लिए इस तरह से अब शुरुआत की जा रही है बसपा द्वारा, ये शुरुआत मान सकते हैं? गौरव जी, जब जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनती है, जी, हमारे यहाँ पर नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब मंत्री होते थे, जी, तो 19 मंत्रालय थे उनके पास में, जी, आप इस बात को मानेंगे नहीं? बिल्कुल 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 मानता हूँ जी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुनकाद अली साहब जो है हमारे कोऑर्डिनेटर थे और प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। तो हम तो सत्ता में भागीदारी दे करके आज भी हमारे 2 मुस्लिम सांसद हैं। जी बिल्कुल, सांसदों में हमारे 2 मुस्लिम सांसद हैं। जी, हम कहते नहीं है, हम तो करके दिखाते हैं। जी, बहुजन समाज पार्टी की नेता जो कहती है वही करती है। मुझ जैसे जाट समाज के एक साधारण कार्यकर्ता को राष्ट्रीय प्रवक्ता बना रखा है, ये छोटी बात है बड़ी बात है? बिल्कुल बड़ी बात है, बिल्कुल सही बात है। तो ये हमारी नेता कहने में विश्वास नहीं करती है, करने में विश्वास करती है। ब्राह्मणों को हमने इतने टिकट दिए, ब्राह्मणों को हमने जो है 2007 में सबसे ज्यादा ब्राह्मण हमारे पास जीत करके आया अब तक के उत्तर प्रदेश के इतिहास में, सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व हमने दिया। हम तो कहते हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी हिस्सेदारी। पर जो भी रहा धर्मवीर भाई, ब्राह्मण चुनाव का जो परिणाम आए हैं वो परिणाम बेहतर नहीं आए, शायद लोग समझ नहीं पाए या समझा नहीं पाए। खैर जो भी स्थिति रही हो, जवाब लेते हैं रामनवास भाई से। देखिए ये जो परिणाम आए हैं जी, इनको हमें अपनी गलतियों को सुधार करके उसमें आगे दुरुस्त करना है जी। और जो आज बहन जी लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से जन आगाह कर रही हैं, वो बता रही हैं जी, वो लगातार बता रही हैं जी, ये लोग बातों में उलझाते हैं, काम तो ये करते नहीं है जी। तो इसीलिए जो है हम अपनी गलतियों को सुधार रहे हैं, और जो हमसे गलतियां हुई हैं, लोकतंत्र है ये, चुनाव तो चलते रहते हैं। बिल्कुल, अभी वो चुनाव खत्म हुआ, अभी दूसरे चुनाव आ गए, फिर लोकसभा चुनाव आ जाएंगे, तो हम अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास करेंगे और जनता के साथ में जो हमारा दायित्व है पूरी तरह निर्वहन करेंगे। गौरव जी, ठीक है रामनाथ भाई, जवाब दीजिए भाई धर्मवीर जी की बात का। जी नहीं, धर्मवीर जी पुराने नेता हैं जी, बहुजन समाज पार्टी के जी, और क्योंकि अब जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी जी गर्त में चली गई और इनके नेता जी, नहीं तीसरे नंबर की बड़ी पार्टी है हमारी, नहीं इनके नहीं, उत्तर प्रदेश में एक विधायक वो भी अपने दम पर जी, वो तो कहिए कि अपने दम पर वो जीता है, वरना होते आप जीरो। अच्छा, अरे 22 सांसद भी थे हमारे, 22 सांसद भी थे, तो गठबंधन करके आप जो है जीत गए, 22 सांसदों की। और आज जो है, जब आज भारतीय जनता पार्टी से मुस्लिम समाज का, दलित समाज का सारे लोग जुड़ रहे हैं, तो चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे बहुजन समाज पार्टी, बौखलाहट है। अच्छा, इसलिए आप देख रहे होंगे कि मुस्लिम समाज को बरगलाने के लिए बहन जी ट्वीट कर देंगी, समाजवादी पार्टी के नेता ट्वीट कर देंगे, लेकिन जब सत्ता में रहे कभी नहीं काम किया उनके लिए। अच्छा, आज हमारी पार्टी, हमारी सरकार किसान सम्मान निधि दे रही, क्या किसी जाति धर्म पूछा? नहीं पूछा।
हम सबको आवास दे रहे हैं, हम सबको उचित मूल्य दे दीजिए, मुफ्त राशन दे रहे हैं। पैसे नहीं चाहिए। हमने किसी से नहीं पूछा आप उनको कि आप किस जाति धर्म के हो, लेकिन इनकी जब सरकारें बनती है समाजवादी पार्टी सरकार बनेगी तो कहेंगे कि जो है किसान मर गए, आपको अगर भीख देते हुए किसानों को अगर बच्चियों को जी वजीफा मिलना है तो खाली मुस्लिम समाज। अरे क्या है, भीख मत दीजिए, उनका मूल्य दीजिए भाई। बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनती है तो आप समझ सकते हैं जी, ये पूरे उत्तर प्रदेश में वसूली का अभियान चलता है। यही कारण है कि बहुजन समाज पार्टी आज कोई नाम लेवा नहीं, मारे मारे घूम रहे हैं सरकार उन पर। नहीं भाई, अगर आपको जनता ने बेरोजगार कर दिया है तो भारतीय जनता पार्टी का वह दोष है भाई। अगर समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी के नेताओं को इनके कार्यकर्ताओं को जनता ने बेरोजगार कर दिया है, इसमें भारतीय जनता पार्टी का वह दोष है भाई। भारतीय जनता पार्टी ने जनता के लिए काम किया, हमारी सरकार ने जनता के लिए काम किया, आज जनता हमारे साथ है। अगर आप बेरोजगार है तो आपने अपने कर्मों से बेरोजगार है। अगर हमने जनता के लिए काम किया है तो 2014 से आज तक हम लगातार जीत रहे हैं। आपका खाता नहीं खुलता है क्योंकि आपने जनता को ठगा है। चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, इसीलिए जनता जान गई है। अब इनके बरगलावे में नहीं आने वाली है क्योंकि उनको पता है कि हमारे हित में अगर कोई काम करने वाला है तो आदरणीय योगी जी हैं और देश में आदरणीय मोदी जी हैं, इसके अलावा कोई नहीं है। इसीलिए 2014 से आज तक लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ सारे समाज के लोग हैं। तारिक भाई अपनी बात पूरी करिए, समय कम है, बोलिए तारिक भाई। जी गौरव भाई, अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने दो बातें कही जो उनकी बात अपनी ही बात को काटती है। देखिए यही कहते हैं बड़ा ध्यान से बोलना चाहिए। इन्होंने कहा कि जब हम लैपटॉप बांटते थे तो किसी एक, जबकि समाजवादी के साथ ऐसा कुछ नहीं है, किसी को खास कर देते थे। अच्छा, एक तरफ ये कह रहे हैं कि कुछ करते ही नहीं थे अल्पसंख्यकों के लिए। अच्छा, एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि खास कर देते थे। अच्छा, उनको खास बनाकर दे देते थे लैपटॉप, और एक तरफ कह रहे हैं कुछ करते ही नहीं थे। तो दोनों में से सिर्फ एक बात कहें, ठीक, दोनों बात ना कहें, ठीक है। और जो ये बात कहते हैं बार बार, मैं इसको स्पष्ट कर चुका हूं कि आपने किसान सम्मान निधि दी तो सबको दिया, जिसके पास भारतीय नागरिकता है उसके साथ इस तरीके का आप भेदभाव नहीं कर सकते। बड़ी बेसिक संविधान की जानकारी है, उसको भी पूरी तरीके से ले। बीएसपी को लेकर एक अहम बात कहना चाहता हूं गौरव भाई, थोड़ा सा समय दीजिए। देखिए, काशीराम साहब ने जो दबा कुचला समाज था उसको DS4 और वामशेष जैसे संगठन बनाकर उनको इकट्ठा किया जी। बहुत वो IAS थे और उन्होंने साइकिल से चलकर, मैंने खुद देखा है जी, उन्होंने उस समाज को जोड़ा जी। उस मुहिम को जी धीरे धीरे कर आप देख लीजिए, 2003 से शुरू हुआ, 7 से जी, और वो जो काशीराम साहब की मुहिम थी उसको मायावती टाइप के रेजीम में, बहन कुमारी मायावती के रेजीम में जी, वो कमजोर होती गई जी, जिसका सीधा आकलन आपको वोटों की संख्या में दिखता है कि उनको कितना वोट मिल रहा है जी। इसलिए समाज की बेहतरी के लिए, गौरव भाई समझिए मैं क्या कह रहा हूं, समाज की बेहतरी के लिए, जिस समाज के लिए काशीराम साहब खड़े हुए थे, इस पार्टी का पतन होना उस समाज के लिए एक दिक्कत की बात है, क्योंकि वो उन्हीं लोगों की बात करते थे। अच्छा, तो बहन जी ने जो जिस मुहिम को कमजोर किया, और उसके पीछे एक फैक्टर नहीं है जी। अभी नसीमुद्दीन को 19 मंत्रालय गिना रहे थे, स्वामी प्रसाद मौर्य चले गए, नसीमुद्दीन चले गए, ब्रिजेश पाठक किसके सांसद थे, बहन कुमारी मायावती के सांसद थे, राम अचल राजभर कौन है, त्रिभुवन दत्त कौन है जी, हाँ त्रिभुवन दत्त कौन है बताइए ना, इंजीत सरोज कौन है जी, ये BSP को बताना चाहिए, पूरी की पूरी पार्टी किसी के नहीं चली जाती गौरव जी। अरे गुलाम नबी आजाद गए तो अकेले गए जी, अगर कोई समाजवादी पार्टी का नेता जाता है तो अकेले जाता है, कोई भाजपा का भी टूटता है तो अकेला टूटता है जी। लेकिन आप देखिए इस 10-15 सालों में BSP को बिल्कुल खत्म हुई है, और उसमें उनके शीर्ष नेतृत्व का भी कहीं ना कहीं मैटर है, और इस तरीके से किसी भी पार्टी का जो मूलभूत बेस है वो खत्म हो जाना, वो समाज के लिए, आप हिंदुस्तान की राजनीति को पूरा स्टडी कर लीजिएगा, मैं दावा करता हूं एक पार्टी आपको नहीं मिलेगी जी जो सत्ता में रहने के कुछ ही साल बाद जी उसका इस तरीके से पतन हुआ जी, और वोटों का इस तरीके से बिखराव डायरेक्ट बेनिफिट देता है BJP को जगह जगह। दोबारा लो, ठीक है तारिक भाई। हेलो वरुण भाई, अपनी बात पूरी करिए वरुण भाई।
जी जी देखिए सवाल है, जनता बहुत समझदार है, जनता के विवेक पर हमें छोड़ना चाहिए, लेकिन हाँ मैंने फिर कहा, बार बार कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी से जो भी नीतियों के माध्यम से जनता की अनदेखी हुई है, जनता की भागीदारी सुनिश्चित नहीं हो पाई है, उन सब की आवाज, प्रखरता से आवाज बनने का, मुखरता से बात रखने का काम कांग्रेस नेतृत्व कांग्रेस पार्टी कर रही है, चाहे जितने इन किन कारण ये हथकंडे अपना लें, दबाव की राजनीति कर लें, व्यक्तिगत टिप्पणी कर लें, लेकिन हम बार बार अपनी सेवा भाव से जनता के बीच में है, और जो अपेक्षित जन सहयोग और जन समर्थन मिल रहा है, जो विश्वास जगा है, वो दिन दूना रात चौगुना बढ़ता जा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी से हर मोर्चे पर, हर स्तर पर, हर फ्रंट पर कोई लड़ाई लड़ने का, सीधी ईमानदारी से वास्तविक लड़ाई, स्वाभाविक लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है, न्याय संगत बात करने का काम कर रहा है, संविधान सम्मत बात करने का काम कर रहा है, तो कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस नेता और आदरणीय बीजेपी वाले क्यों कहते हैं भारत जोड़ो यात्रा क्यों है? बीजेपी के रामनिवास जी, कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकाले, बीजेपी के किसी छोटे बड़े नेता, छोटे बड़े कद के नेता में इतनी हिम्मत नहीं है, इतना साहस नहीं है कि 3500 किलोमीटर की यात्रा तो छोड़िए, 1000 किलोमीटर की यात्रा नहीं नहीं पैदल छोड़ दीजिए, मैं खुला चैलेंज करता हूँ, ये जनता के बीच में जाए और ट्रेन से सफर करें। अच्छा, एक देश का राजनीत, भारत को, भारत की इस तस्वीर को जो भारतीय जनता पार्टी ने लगातार अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में बिगाड़ने का काम किया है, भारत की जनता को विवेक शून्य मान के वोट बैंक की राजनीति करने का काम किया है, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करने का काम किया है, एक आवाज गांधीवादी सोच के साथ, पूरे साहस के साथ, ईमानदारी के साथ जनता के बीच में जो संघर्ष करने का बीड़ा उठाया है, और उसका देखिए अपेक्षित जन समर्थन कितना मिल रहा है, बहुत कम मीडिया में दिखाया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरी तरीके से प्रेशराइज किया जा रहा है, ये प्रायोजित है कि इस तरीके का कार्यक्रम ना हो, इस यात्रा की चर्चा ना हो, यात्रा से जुड़े हुए जो जो जनभावना जुड़ रही है, जो लगाव उत्पन्न हो रहा है, सड़कों पर जो अपार भीड़ आ रही है, उसकी संख्या को नगण्य किया जाए, कम किया जाए, चर्चा में ना लिया जाए, लेकिन इस सबके बावजूद भारत की जनमानस की आवाज को, उसकी भावना को, उसके मुद्दे को, उसके सवाल को ये रोक नहीं सकते भारतीय जनता पार्टी के लोग। चुनौती दे रहे हैं यहाँ पर, आपकी कोई यात्रा कर सकता है 3500 किलोमीटर की? नहीं, निश्चित रूप से अभी गौरव जी, विनोद जी बोल रहे थे जी। कि भारतीय जनता पार्टी किसी नेता की हैसियत नहीं। हाँ। निश्चित रूप से सच है जी। कि हमारे पार्टी किसी नेता की हैसियत नहीं है। हाँ। कि कांग्रेस जैसा भ्रष्टाचार करप्शन करने की। अच्छा भाई, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, यात्रा के नेता नहीं, इनके नेता, इनके राहुल जी हो चाहे सोनिया जी हो, अपने दोनों लोग बेल पे हैं। ऐसा कृत भारतीय जनता पार्टी कोई नेता नहीं कर सकता, जो सच है। मैं इस बात से सहमत हूं, एक नेता बताइए से कि 1000 किलोमीटर की यात्रा ट्रेन से, मैं कह रहा हूँ रेलगाड़ी से करके दिखाएं। नहीं, मैं कहता हूँ कि मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मेरी पार्टी किसी नेता की मानते हैं यात्रा कर रहा है 3500 किलोमीटर की, कांग्रेसियों जैसा करप्शन करने की हैसियत हो जी। क्योंकि हमारी पार्टी राष्ट्र के लिए काम करती है। अच्छा, हमारे नेता राष्ट्र के लिए काम करते हैं, इनके वहाँ क्या करते हैं, एक परिवार के लिए। अच्छा, और बाकी जो है सब उनके दलाल है पीछे, उनके लगे हुए हैं। परिवार फिलहाल बहुत बड़ा हो गया, जो जनसलाब दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है जी। अगर एक विचारधारा है, एक विजन है, तो ही भारतीय जनता पार्टी दुनिया की बड़ी पार्टी बनी है। अच्छा, और इनके वहाँ तो भाई कांग्रेस खत्म हो रही है। यात्रा कर तो रही है, पैदल जा तो रहे भाई। नहीं, पैदल चले चाहे मुर्गा बन के चले, श्रमिकों का अपमान है, देश की जनता जो श्रमजीवी भाई है उनका जान चुकी है, अपमान है। भारतीय जनता पार्टी सुविधा भोगी राजनीति करती है, हो तो नहीं सकती ये सुविधा की। आदरणीय मोदी जी प्रकाश से तल्लीन है कि हर श्रमिक का ये अपमान कर रहे हैं, हाल हो रहा है, श्रम और विश्वास के साथ बने जनता के बीच में सकारात्मक अच्छी तरह जानती है, जलाने का काम करती रहेगी। आप देखिए जनता की स्वाभाविक यात्रा को, उनके श्रम को, उनके विश्वास को, उनके त्याग को, उनके धूप में संघर्ष करते हुए यात्रा को आप कमतर मता किए। आप सरकार में हैं, सुविधा भोगी हैं, सुविधा भोगी रहिए, लेकिन हमारी श्रमिक जनता को, श्रमजीवी जनता को अपमानित करने का काम अपनी बात पूरी करिए, और उनकी आवाज बुलंद करने का काम कर रहा है, तो आप पूरे देशवासियों के अधिसंख्य लोग जो श्रम ही जिनका जीवन का एक मुख्य उद्देश्य है, जीविकोपार्जन से लेके सम्मान से जीवन जीने का, आप उस पर भी कुठाराघात करने का काम कर रहे हैं, ये गलत है। ये सत्ता का दम, ये अहंकार, ये आपको शोभा नहीं देगा, और जनता मौका पड़ने पे आपको माकूल जवाब देने का काम। ठीक है, सर्वे अपनी बात पूरी कर, जयराम भाई बोलिए।
देखिए जैसा कि हमारे अभी भाजपा के भाई ने बोला 2014 से पार्टी लगातार काम कर रही है, रोजगार दे रही है, जीत रही है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ 2014 से देखिए महंगाई खतरे में, रोजगार खतरे में, महिला सुरक्षा खतरे में, किसान खतरे में, तो जनता जान चुकी है 2014-17 में खतरे वाली सरकार बना दी, खतरे वाली सरकार। तो इस बार ये जनता जान चुकी है, इस खतरे वाली जो सरकार है इसको खत्म करेगी। और जहां तक कांग्रेस के भाई जैसा बोल रहे थे, तो मैं कहना चाहता हूं राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और इनके ही विधायक अपने ही कांग्रेस को तोड़ने का काम कर रहे हैं, तो कांग्रेस भी कहीं नहीं है। अच्छा, और जैसा कि अभी हमारी पार्टी है, नहीं आम आदमी पार्टी ने जनता के मुद्दों पे काम किया है। अच्छा। आप दिल्ली में उठा के देख लीजिए, हमने बिजली पे काम किया, शिक्षा पे काम किया, और मैं आपको बधाई देता हूँ कि आज इस डिबेट में शिक्षा जैसे मुद्दों पे बात होने लगी है। पहले आप देखिए शिक्षा जैसे मुद्दों पे बात नहीं होती थी। सुनिए, अरे शरद सुनिए, मैं बता रहा हूँ। आज आप देख लीजिए नरेंद्र मोदी जो कि हमारे देश के अभिभावक के प्रधानमंत्री हैं, कभी भी उन्होंने सरकारी स्कूल पे एक ट्वीट तक के नहीं किया। अच्छा। लेकिन अभी देखिए गुजरात में जाके वो सरकारी स्कूल में जाके बैठ के बच्चों के साथ जाते हैं, कहते हैं हम सरकारी स्कूल को अच्छा करेंगे। तो ये देन अरविंद केजरीवाल की बात कई बार बोलते हैं भाई, बोलते तो है अरविंद केजरीवाल की है। आप उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों की दशा देख लीजिए जाके, आपके ही मीडिया बंधु सरकारी स्कूलों की जब फोटोज दिखाते हैं तो योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि अगर कोई ऐसा कुछ करता है तो उसके ऊपर भाई जवाब लेता हूँ आपका, बोलिए तो सर भाई जल्दी बोलिए। तो आप देखिए सरकारी स्कूलों की दशा क्या हो गई है, मिड डे मील में बच्चों को चिपकीला दूध पिला दिया जाता है। अगर कोई इनसे सवाल करने की बात करता है तो उसके ऊपर मुकदमे लगा दिए जाते हैं। समय कम। अब जनता को एक विकल्प के तौर पे एक ऐसी पार्टी मिली है जो बात करती है। गौरव जी, अभी आम आदमी पार्टी कह रहे थे कि हमने दिल्ली को सुधार दिया, दिल्ली विद्यालयों की लाइन लगा दी जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, ये खाली 5 विद्यालय के नाम बता दें जी, कि जिन्होंने 5 विद्यालय बनाए हो जी। ये शौचालय को कहते हैं कि हम विद्यालय हैं जी, क्लास रूम को कहते हैं विद्यालय है। सुनिए सुनिए सुनिए, विद्यालय के नाम बता दें जो आम आदमी पार्टी की सरकार ने बनाया हो। क्योंकि भाई को एक इनविटेशन देता हूं, आमंत्रित करता हूं, मेरे साथ चले, मैं दिल्ली का सारे सरकारी स्कूल दिखाऊंगा, आपकी हिम्मत हो 5 विद्यालय के नाम बता दीजिए जो आपकी सरकार ने बनाया हो। आप देखिए मैं कहता हूं उत्तर प्रदेश जाने कहीं आप 5 विद्यालय के नाम बता दीजिए, सरकारी स्कूल मुझे घुमा दीजिए। हो गया। जर्मनी हो जी, आज वो हमारे स्कूल की तारीफ करता है, वो कहता है शिक्षा ठीक है, नाम ले लिया जाएगा। ठीक है, तुधर भाई हो गया, तुधर भाई नाम बताइए, नाम है आपके पास, की बात नहीं बता सकते, कह रहा मेरे साथ, मैं कहता हूं 5 विद्यालय, ठीक है, हो गया। पीके बैठे हुए हैं, टीचर सो रहे हैं, बच्चे झाड़ू लगा रहे हैं, असर तो पड़ता ही, क्योंकि आप ठीक है, हो गया। उत्तर प्रदेश में छात्रवृत्ति पिछड़े और गरीब को काफी समय से बंद है, नहीं मिल रहा जो बोलिए। अगर छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, हमारे जितने पैनलिस्ट बैठे किसी ने उस पर चर्चा नहीं की, हम शिक्षा की बात करते हैं, जयराम जी क्यों झूठ बोल रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में छात्रवृत्ति मिल रही है, अगर क्या आप झूठ बोल रहे हैं, उनको पढ़ने की सुविधा दलित पिछड़े सबको मिल रहे हैं, आप झूठ मत बोलिए, चैनल पर बैठ के कोई नहीं कर रहा है। चलिए अगली बार मुद्दा छात्रवृत्ति का ही रखूंगा मैं, अगली बार जयराम भाई पूरा मौका मिलेगा आपको, अगली बार मुद्दा छात्रवृत्ति का रखने वाला जी जी ठीक है, आप अगली बार मुद्दा छात्रवृत्ति का रखा जाएगा और निश्चित रूप से सुभाषपा
भी लगातार संघर्ष करती नजर आ रही है अलग मुद्दों को लेकर, शिक्षा नीति को लेकर। और वास्तव में जो कहना है कि शिक्षा नीति एक होनी चाहिए। फिलहाल सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर हमने चर्चा की कि किस तरह से यहाँ पर ट्वीट के माध्यम से कहें या सोशल मीडिया के माध्यम से कहें, राजनीतिक सरगर्मियाँ बढ़ चुकी हैं। चुनाव 24 का बहुत दिलचस्प होने वाला है। महागठबंधन के बीच में होगा या सत्ता पक्ष और महागठबंधन के बीच में होगा, या अलग अलग राष्ट्रीय दल अपनी अलग यहाँ भूमिका निभाएंगे। चुनाव का परिणाम क्या होगा वो भविष्य के गर्भ में छिपा है। पर एक बात तो साफ है कि इस बार चुनाव में कोई भी पार्टी अपने आप को कमतर समझकर चुनाव में सुस्त तरह से चलने वाली नहीं है। यहाँ हर पार्टी अपनी सक्रियता को दिखाकर जनता के बीच जाएगी, सोशल माध्यम से भी और धरातीय संघर्ष के माध्यम से भी। आने वाले समय में चुनाव किसके परिणाम किसके साथ जाएंगे वो भविष्य के गर्भ में निहित है। पर एक बात तो स्पष्ट है कि जो जनता के बीच जाता है, जो जनता की बात करता है, वो जो जनता के लिए खड़ा होता है, जनता समर्थन भी उसी को देती है। और चुनाव परिणाम आते हैं और बदलते रहेंगे। राजनीति चलती है और चलती रहेगी, पर बयानबाजी का दौर भी हमारे देश में उसी तरह चल रहा है जैसे राजनीति चल रही है। धरातीय संघर्ष कब होगा, कब जनता के लिए संघर्ष जमीन पर होगा, ये वक्त बताएगा। फिलहाल ट्वीट की राजनीति देखते रहिए और फिलहाल समझते रहिए कि देश का जो दिशा है वो किस तरफ जा रही है, राजनीति किस तरफ जा रही है। तो आज की चर्चा में इतना ही। मुझे निर्मति नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।